उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ प्रदेश की सत्ता और सरकार को संभालने के लिए तैयार हैं। सीएम योगी 2 दिन के दिल्ली प्रवास को पूरा करके प्रदेश लौट चुके हैं, लेकिन यूपी फतह करने के बाद अब सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी के सामने 2024 लोकसभा चुनाव की चुनौती है। नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। नई योगी सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी जिनसे पार पाना उनके लिए ज़रूरी है। सीएम योगी के सामने कई मुद्दे और कई चुनौतियां हैं जिनसे पार होकर ही बीजेपी 2024 का खिला फतह करने में कामयाब हो सकती है। बेरोजगारी से निपटने की चुनौती प्रदेश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। बेरोजगारी को लेकर बार बार विपक्ष के निशाने पर आई राज्य सरकार के लिए इससे छुटकारा पाने की चुनौती सबसे बड़ी होगी। दरअसल पिछले कुछ सालों में प्रदेश समेत देश भर में रोजगार में कमी आने की कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। कोरोना काल में कई लोगों ने बैठे बिठाए अपनी नौकरियों से हाथ धो लिया। नौकरी कर रहे लोगों की तादाद 16 लाख से ज़्यादा घट गई है। वहीं आगामी 5 वर्षों में यूपी में रोजगार पैदा करना अब योगी के सामने बड़ा चैलेंज होगा। सरकारी नौकरी के साथ साथ कोरोना काल में बेहाल हुए लोगों के लिए नए मौके और रोजगार के अवसर पैदा करना योगी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा प्रदेश सरकार की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में पेंशन स्कीम और उससे नाराज कर्मचारियों का मुद्दा काफ़ी हावी रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही। इसका चुनाव में भी असर देखने को मिला। पोस्टल बैलेट पेपर में बीजेपी को हार और सपा को जीत मिली है, जिसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह मुद्दा कितना अहम रहा। वहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर अन्य प्रदेशों पर दबाव डाल दिया है। ऐसे में यूपी में सरकारी कर्मचारियों का प्रेशर योगी सरकार पर बढ़ गया। योगी सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की दिशा में क्या कदम उठाती है? हालांकि बीजेपी ने पुरानी पेंशन को लेकर किसी तरह के कोई वादा चुनाव में नहीं किया था। किसानों को कैसे खुश करेगी सरकार? नई योगी सरकार के लिए किसानों को खुश करना एक सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। लंबे समय तक चले किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। मगर 1 साल तक चले इस मामले पर जितना बवाल हुआ उससे साफ है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए और कई तरह के आर्थिक लाभ देने होंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए मोदी सरकार योजनाएं भी चला रही है, मगर इसके बावजूद योगी सरकार के सामने किसानों को खुश रखने की चुनौती होगी। बीजेपी ने यूपी में किसानों की मुफ्त बिजली से लेकर गन्ना किसानों का भुगतान और सिंचाई के लिए पानी देने का वादा कर रखा है। ऐसे में किसानों के मुद्दे का समाधान करना बेहद जरूरी होगा। आवारा पशुओं का निकालना होगा हल। यूपी चुनाव से पहले ही विरोधी पार्टियों ने आवारा पशुओं के मुद्दे पर सरकार को खूब घेरा। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक आवारा पशुओं का यह मुद्दा काफ़ी बड़ा बना रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर रहा। यह मुद्दा आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल चर जाने से जुड़ा है, तो ये अपने आप में अहम हो जाता है। खेतों को इन आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसानों को तारबंदी करने से लेकर रात रात भर जगना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी रैलियों के दौरान आवारा पशुओं की समस्या को हल किए जाने का वादा कर चुके हैं। अब जब योगी सरकार ने बहुमत के साथ वापसी की है तो उन पर आवारा पशुओं के समस्या से निपटने की चुनौती होगी। अयोध्या के बाद अब मथुरा वृंदावन की बारी। बीजेपी के एजेंडे में लंबे समय से शामिल अयोध्या का राम मंदिर भले ही बनना शुरू हो गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले मथुरा वृंदावन को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया था। बीते साल एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि अब काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम जो भव्य रूप से बन रहा है,
फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां भी अब काम आगे बढ़ चुका है। मालूम हो कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या सीएम योगी आगामी सरकार में मथुरा वृंदावन को लेकर भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में अपराध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कई माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, वहीं कई बदमाशों के एनकाउंटर भी हुए। बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की एनकाउंटर में मौत का मुद्दा भी लंबे समय तक छाया रहा। इसके अलावा मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक कई बाहुबलियों पर भी एक्शन लिया गया। पिछले 5 सालों में कई माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसकी वजह से चुनाव में भी इस मुद्दे का खूब जिक्र हुआ। सीएम समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि माफियाओं के खिलाफ ऐसी बुलडोजर कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में अपराध के खिलाफ छवि बनाए रखने की चुनौती भी होने वाली है। बिजली के इस मुद्दे से निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली की दर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा। वहीं आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली के चर्चे देश भर में हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी किया था। यही कारण रहा कि सरकार के किसानों की सिंचाई वाली बिजली के दाम आधे करने पड़े थे और चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में अगले 5 सालों तक सिंचाई की बिजली फ्री देने का वादा भी किया गया। यूपी पावर कॉरपोरेशन को जिस तेजी से घाटा हो रहा है, उसकी भरपाई तो बिजली की दरें बढ़ाने से ही हो सकेंगी। ऐसे में जीत के बाद आम आदमी के लिए बिना बिजली के दाम बढ़ाए इस घाटे को कैसे कम किया जाए, योगी सरकार को इसके लिए सटीक रास्ता निकालना ही होगा। जातिवाद के आरोपों से निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी और ठाकुर परस्त नैरेटिव सेट करने की विपक्षी दलों की तमाम कोशिश की गई। कई सारे विरोधी नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि धनंजय सिंह जेल से बाहर इसलिए हैं क्योंकि वह ठाकुर हैं और उन पर योगी की रहम है, वरना कोई ब्राह्मण और मुस्लिम अपराधी होता तो वो जेल के भीतर होता। ऐसे में भले ही इस बार के चुनाव में योगी सरकार की वापसी हो गई हो, लेकिन अगले 5 सालों में ऐसा जातिवाद का आरोप उन पर लगता रहा तो आगे की राह उनके लिए आसान नहीं होगी। ऐसे में योगी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जातिवाद के आरोपों से पार पाने की होगी। बहरहाल अभी नई योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर मंथन जारी है। ये देखना होगा कि सीएम योगी और उनकी सरकार इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगी और किस तरह से योगी सरकार को चलाएगी। धन्यवाद।